फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आपके एंड्रॉयड या स्मार्टफोन में, आप किसी भी कंपनी का फोन करते हैं, रेडमी, ओप्पो, वीवो या कोई भी जो नई कंपनी अभी एंड्रॉयड में आई हुई है, और किसी भी कंपनी के फोन में आपके पास टाइपिंग करते समय ये एरर आता है और आप उसको जो है एप्लीकेशन को क्लोज भी नहीं कर सकते हैं, और आपका जो है कुछ भी आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के दौरान ही आपकी जो है ये टाइपिंग वाली जी बोर्ड वाली एप्लीकेशन आपको जो है फोर्सली स्टॉप करने के लिए बोलता है, उसमें कुछ एरर दिखाता है आपको। तो यही चीज मैं आप सोल्व करने के लिए आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ। काफी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, आपकी ये समस्या 100% जो है ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ। आप कभी भी कोई भी अपना टाइपिंग सोर्स जो है यूज करते हैं जी बोर्ड के थ्रू, व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे, कहीं पे भी आप जो है टाइपिंग करते हैं, तो आपका जो है ये एकदम से फोर्सली बंद नहीं होगा। ऐसा कोई एरर आपके पास नहीं आएगा जो पहले आपके आता था। तो चलो चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको क्या करना है, जिससे आपकी जो है ये फोर्स वाली समस्या आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और आप किसी भी कंपनी का फ़ोन आप यूज करते हैं, और यूज करने के टाइम पे जैसे आप कीबोर्ड को टाइपिंग करते हैं कोई किसी भी एप्लीकेशन में, आप जो है कीबोर्ड का यूज करते हैं और आपके पास कुछ ऐसा जो है एरर दिखाई देता है, और आप जो है कुछ आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, कौन सी सेटिंग्स को आपको जो है यहाँ पे, या तो एक काम कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपडेट के बाद भी ये सॉल्व नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो अपने फ़ोन सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली अपने फ़ोन की एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में सर्च ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पे अपने मैनेज एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी आपके फ़ोन की एप्लीकेशन है सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं, काफ़ी टाइम लगा ऐसे आपको देखने में, तो आपको यहाँ पे सिंपली जी बोर्ड आपको टाइप करना है, कीपैड आप साइज कर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जी बोर्ड आप सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी आप सर्च करते हैं। एंड्रॉयड में काफ़ी अच्छा एक फंक्शन है, एक जो है एक तरीका है, आप यहाँ से सारी एप्लीकेशन जो है सर्च कर सकते हो, जो सर्च जो आप एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखनी है। तो सिंपली मैं इस पर यहाँ पे टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ पे आपको जो एक एरर दिखाई दी जा रही थी वहाँ पे कि आप टाइपिंग करते समय आपकी जो है ये एप्लीकेशन यहाँ पे फोर्सली बंद हो जाती थी, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। तो उसको जो है सोल्व करने के लिए मैं आपको आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी जो है ये एंड्रॉयड में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि जी बोर्ड जो है अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा है, और उसके काफ़ी अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे क्लियर डाटा देख सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, और क्लियर सेशन और क्लियर आल डाटा आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑटो स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। अगर आपको ऑटो स्टार्ट नहीं करना है तो सिंपली इसको जो है यहाँ पे आप इसको बैक करके दोबारा से आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज करके देख सकते हैं, और आपकी जो है अच्छी तरीके से वर्किंग करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी बोर्ड में टाइपिंग करने में। और जी बोर्ड ये एक बहुत ही अच्छा जो है एप्लीकेशन है, इसमें आप जो है मल्टी कलर और आपको जो है अलग अलग फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं टाइपिंग करने के लिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जी बोर्ड का। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना जो है एक मैसेंजर सरफेस खोल लिया है, जिसमें मैं आपको जी बोर्ड के गूगल जो है कीबोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है कलर सारी चीज़ें कलर्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। किसी भी कलर का आप कीबोर्ड यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, और यहाँ पे इसको ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको यूज करने के लिए मिल जाएगी, फ्लोटिंग वगैरह, टेक्स्ट एडिटिंग, कैसे एडिटिंग करनी है आपको, किस तरीके से क्या फॉर्मेट आपको रखना है, गिफ्ट्स वगैरह, आपको यहाँ पे सारे जितने भी आपको गिफ्ट्स चाहिए होते हैं पर डे, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ का आपको जो है यहाँ पे गिफ्ट वगैरह देखना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इमोजीज वगैरह सारी आपको यहाँ से, इमेज वगैरह सारी आपको, किसी भी चीज़ की इमोजी, या फिर आपको पिक किसी भी डे की, पर्टिकुलर डे की आपको कोई भी को यहाँ से देखनी है, गिफ्ट वगैरह सारी, स्माइली वगैरह आपको यहाँ से जी बोर्ड में, गूगल कीबोर्ड में आपको यहाँ से मिल जाती है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, और ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी इसमें कुछ टाइम से अपडेटिंग के बाद कोई ना कोई एरर आता रहता है, ये ऑटोमेटिक फोर्सली बंद हो जाता है। तो इसको रीइश्यू करने के लिए या तो आपको एप्लीकेशन अपडेट करनी पड़ती है, या फिर एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद यह इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है।
तो आपको सिंपली करना क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, एप्लीकेशन अपने फ़ोन की एप्लीकेशन में जाना है आपको, जीबोर्ड वाली एप्लीकेशन में, उसको जो है क्लियर सेस या क्लियर सारी हिस्ट्री आपको वहाँ से डिलीट कर देनी है। उसके बाद आप चला के देखिए, काफ़ी अच्छा चलेगा और ये एरर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।